उस्मान बे इस बार बुरी तरह फंस चुके हैं और इस बात का फायदा उठाकर बोरसा का तैकफूर तुर्क कबाइल पर हमला कर देता है और साथ ही हुक्म देता है कि किसी पर रहम मत करना। वालदा सुल्ताना ने उस्मान की चाल बहिंदर का पीछा करके नाकाम बना दी है, लेकिन वालदा सुल्ताना को इस बात का इल्म नहीं है कि उस्मान बे डबल चाल चल गए हैं। इसी तरह जब सुल्तान मसूद और उस्मान बेम को फांसी लगने वाली होती है तो गजान खान की कमांडर इन दोनों को बचा लेगी। अगली किस्त में नायमान या फिर वाला सुल्तान अलाउद्दीन में से एक को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि पीछे बोरसा का तैकफूर अख्तिमौर के कबीले पर हमला करके अख्तिमौर को जख्मी कर देता है। जैसा कि कहा गया था अब कोहनूर को ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, तो इस किस्म में आपने देखा कि कोहनूर को वाकई ज़्यादा टाइम दिया गया और अब कोहनूर को मज़ीद ताकतवर बनाया जाएगा, क्योंकि ये कोहनूर ही था जिसने औरहान के साथ मिलकर बोरसा को फतह किया था।